हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए जी, बात करेंगे तिगड़ी के बारे में। अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक, जहां तक ये जितना सीधा सिंपल पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हमें तो ये लगता है कि देखिए, जो हमने देखा है बिग बॉस के हाउस में और अभी भी जो हमने देखा है, कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि अरमान का झुकाव जो है वो कृतिका की तरफ ज्यादा है। पायल मलिक एक समझौते के तौर पर, क्योंकि जैसे ही बिग बॉस के घर से पायल मलिक बाहर आई हैं, उन्होंने मीडिया में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और उनके इंटरव्यूज को सर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद ये कंफर्म होता है कि भाई पायल मलिक ने एक किस्म से समझौता किया है। उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, उनके पास उनकी फैमिली नहीं थी, जो कुछ चंद लोग थे उनका साथ देने वाले, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी लाइफ में। तो उस वक्त पर उनको अरमान के अलावा और कोई नहीं मिला लाइफ में, कोई नहीं दिखा जो कि उनका सपोर्ट कर सकता था, जो कि उनको और उनके बच्चों को संभाल सकता था। तो यही वजह थी कि भाई पायल मलिक जो है वो अरमान मलिक के पास वापस गई, उनके साथ रह रही हैं और आज तक भी वो रह रही हैं। भले ही वो आज ये दिखावा करें कि भाई वो तीनों खुश हैं, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन जो रही होगी वो मैं समझ सकती हूँ। तो पायल मलिक जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर आई, बहुत सारे उन्होंने मीडिया में इंटरव्यूज दिए और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था जिसके ऊपर पायल मलिक ने जवाब देने से मना कर दिया। मीडिया वालों ने ये पूछा था कि भाई सुनने में ये बात आई है कि अरमान मलिक के ऊपर जो रेप केस है वो भी चला हुआ है, तो इसके ऊपर पायल मलिक कहती हैं कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। उन्होंने मीडिया वालों से कोई बात ही नहीं करी और इस बात का कुछ खुलासा भी नहीं किया। अब हम तो जानते ही नहीं थे, हमें तो फर्स्ट टाइम ये बात पता चली है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये सोशल मीडिया में ये मुद्दा उठ रहा है और पायल मलिक ने जवाब देने से मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई हो गई इस बात पे। तो चलिए, हम भी इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि भाई अरमान मलिक को यही जाना जाता है कि उसकी दो बीवियां हैं, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। अरमान मलिक की तीन शादियां हो चुकी है और उनकी जो फर्स्ट शादी थी, जो फर्स्ट मैरिज उनकी थी, वो घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज करवाई गई थी। हालांकि वो एक चाइल्ड मैरिज थी। उस टाइम पर जो अरमान मलिक थे वो नाबालिग थे, 18 साल से कम एज की उनकी उम्र थी और वो लड़की भी जाहिर सी बात है नाबालिग ही होगी। और आपको मैं बता दूं कि अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ का नाम सुमित्रा था। और हाँ, सुमित्रा भी सुनने में ये आ रहा है कि भाई वो भी सोशल मीडिया पर कुछ कुछ बातें जो है वो बता रही है कि अरमान मलिक ने उनको पैसे नहीं दिए, ये नहीं किया। लेकिन पायल ने इस बात का खुलासा करते हुए ये क्लियर किया है कि नहीं, उनको उनके हिस्से के सारे पैसे दिए जा चुके थे, उनका डाइवोर्स हो चुका था और उन डाइवोर्स होने के बाद ही जो है वो पायल मलिक की अरमान मलिक के साथ शादी हुई थी। तो देखा जाए तो अरमान मलिक ने तीन शादियां करी हैं, तीसरी वाइफ जो है वो कृतिका मलिक है और फिलहाल ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह रहे हैं, जो कि दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर। लेकिन अंदर की बात क्या है ये तो ये लोग ही जानते हैं। हाँ, पायल खुश रहने का बहुत कहती है कि हम पूरी फैमिली बहुत खुश रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें जो बिग बॉस के घर में दिखाई दे रहा है भाई, वो तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आप सबका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, खासकर वो लोग तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक के फैन हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।